RD نیوز ہر خبر کا اثر RD نیوز میں ہوں ابھیشیک سرواستو. آج کی 15 بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے. لکھنؤ میں CAA NRC کے خلاف پردرشن کر رہی 125 مہیلاؤں پر FIR درج. ओडिशा में केंद्रपाड़ा में सामूहिक भोज के बाद 50 लोग बीमार पड़ गए, खाने में था मरसा. जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने सुरक्षा कर्मियों पर लगाया आरोप, कहा सुरक्षा कर्मी मुझे कर रहे हैं परेशान. बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद JP नड्डा ने पहली सभा करते हुए कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस सरकारों के फैसले रहे घातक. महिला प्रदर्शन में और पुरुष रजाई में वाले CM योगी आदित्यनाथ के बयान पर मुस्लिम उलेमा बोले, ये महिलाओं का अपमान. बेरोजगारी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का कैंपेन, नेशनल रजिस्टर फॉर अनएम्प्लॉयड तैयार करने की मांग. बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, राहुल और केजरीवाल ऐसे जुड़वा भाई हैं जो कुंभ में बिछड़ गए थे और शाहीन बाग में मिल गए. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कश्मीर पर अमेरिका को दी नसीहत, कहा तीसरे पक्ष की कोई जरूरत नहीं. सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए PM मोदी बोले, भारत की भलाई और विकास के लिए डटे रहे नेताजी. बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट पमेला एंडरसन ने उम्र में 22 साल बड़े हॉलीवुड स्टार जॉन पीटर्स से रचाई पार्टी शादी. झारखंड के लोहरदगा में CAA के समर्थन में निकाली गई बीजेपी की रैली में बवाल, पथराव में कई घायल. CAA NRC पर बोली अभिनेत्री नंदिता दास, जो हो रहा वो हमारे देश का तरीका नहीं, CAA और NRC के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को सही ठहराया. 3 दिन की सुस्ती के बाद बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स 41,386 अंक पर बंद. छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत, मंथली GST रिटर्न भरने के लिए मिला 4 दिन ज्यादा का वक्त, रिटर्न फाइलिंग की तारीख हर महीने की 20 हो रही. कोरोना वायरस से अलर्ट पर चीन, उड़ाने ट्रेनें सस्पेंड, 500 से अधिक संक्रमित. ऐसे ही तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए स्टार्टी न्यूज. नमस्कार. आप देख रहे हैं स्टार्टी न्यूज, हर खबर का असर.